हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि आप अपनी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, आपका मैरिज कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से ईयर में होगी। आज आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इसके बाद आप अवश्य रूप से चेक करेंगे कि आपके मम्मी पापा का विवाह कौन से ईयर में हुआ था, आपके भाई बहन का विवाह कौन से ईयर में हुआ था, आपके जीजा और दीदी का विवाह कब हुआ था, या अवश्य रूप से जानेंगे। उसके बाद खुद का विवाह जानेंगे कि भैया मेरा विवाह कब होने वाला है। तो ये क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए, और अच्छी बात है आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है। तो देखिये, अभी मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जिससे आपको ये वीडियो फिर से दोबारा नहीं देखना पड़े। तो देखिए, आपको जानना है आपकी जन्म तारीख से आपका विवाह कब होगा। देखिए, अगर पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका मूलांक कौन सा है, भाग्यांक कौन सा है। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं इसके पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमारा मूलांक कौन सा है, भाग्यांक कौन सा है। तो देखिए, मूलांक और भाग्यांक जान लीजिए। उसका मूल अंक मतलब मूलांक, देखिए हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा ईयर, हमारा जो मंथ है, उन चीजों को कैलकुलेट करने के बाद हमारा मूलांक निकलता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी जन्म तारीख है 9 सितंबर 1997 है, तो देखिए आपको सबसे पहली चीज तो आपका ये पर्सनल ईयर निकालना है आपको, ठीक है। तो पर्सनल ईयर यानी कि आपकी डेट, मंथ और ईयर, ईयर आपके लिए कोई काम का नहीं, ईयर को उठा के फेंक दीजिए। आपको डेट लेनी है, मंथ लेनी है, जो भी ईयर चल रहा है, मान लीजिए सपोज आपका 2022 चल रहा है, तो इसको आपको लेना है और इसको कैलकुलेट करना है। 9 + 9 + 2 = 0 + 0 + 2 + 2, यानी कि आपका जो आएगा 24 आएगा, 24 मतलब 6 आएगा। अगर आपका मूलांक 6 आ रहा है, आपका अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और 6 निकल के आ रहा है, देखिए पहली चीज आपको ये चीज आपको ईयर नहीं लेना है, दूसरी डेट भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी तारीख है 1/8 है, तो आपको ईयर नहीं लेना है, 1997 नहीं लेना है, जो भी ईयर आपका आ रहा है, जन्म का जो ईयर है, जो साल है, वो आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ डेट लेनी है और मंथ लेना है, और जो साल अभी चल रहा है वो साल लेना है। सपोज आपका 2024 चल रहा है, 2023 चल रहा है, या 25 चल रहा है, वो आपको लेना है। तो देखिए, अगर आप सितंबर को लेते हैं या तो 9/9 और 2022 को लेते हैं, तो आपका जो कैलकुलेट करके निकलेगा वो निकलेगा 24। 24 को अगर प्लस करेंगे हम, देखिए 2 और 4 को हम प्लस करेंगे तो निकलेगा 6। तो 6 का मतलब ये होता है कि आपका निकला है 6 नंबर। 6 नंबर वाला व्यक्ति, देखिए अगर आपका सारी चीजें, आपका कुछ भी निकल सकता है, 3 निकल सकता है या 2 निकल सकता है। अगर आपका ये कैलकुलेट करके अगर आपका 2 निकलता है, 3 निकलता है, 6 निकलता है, तो आपका उसी ईयर में आपकी विवाह अवश्य रूप से होगा। 110% आपका विवाह उसी ईयर में होगा। बाय चांस अगर आपका निकलता है 7 निकलता है, 8 निकलता है या 9 निकलता है, तो 80% चांसेस है कि उस ईयर में आपका विवाह होगा। जी हाँ, 80% बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 7, 8, 9 ये जो नंबर निकलते हैं, ये 80% इसमें बहुत कम चांस होगी कि उस ईयर में आपका विवाह होगा। जैसे आप 2024 में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आपका 7, 8, 9 निकलता है, तो बहुत कम चांसेस कि उस ईयर में आपका विवाह होगा। अगर आप का 6 नंबर निकलता है, 2 नंबर निकलता है या 3 नंबर निकलता है, अगर ये तीनों नंबर में से एक भी नंबर निकलता है, तो इसका मतलब 2024 के लास्ट के पहले पहले आपका विवाह अवश्य रूप से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारे ईयर की बात हो गई। अगर आपका 5 नंबर निकलता है, 5 नंबर अगर आपका निकलता है, तो देखिए 5 नंबर बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका 5 नंबर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके डेढ़ साल में या 2 साल में आपके विवाह में तनबन रहेगी, अनबन रहेगी, गृह कलेश की स्थिति बनाएगा, बेबी को लेकर, बच्चे को लेकर, या आपसी तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, 2-1.5 साल तक आपका विवाह में दिक्कत परेशानी होगी। और वहीं पर अब बात कर लेते हैं, जिन लोगों के अभी लव अफेयर चल रहे हैं, लव चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए, और अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक चीज बताने जाऊंगा। ये टॉपिक में नहीं था, पर मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, आपकी जो हार्ट लाइन होती है, नीचे आ रही होगी, ये जो होती है इसे हार्ट लाइन कहा जाता है। अगर आपकी हार्ट लाइन, अगर आपके अभी गर्लफ्रेंड बनी हुई है या आपका बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड से आप देखिए, पुरुष अपना राइट हैंड देखेंगे, महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखेंगी। ये दोनों मिलाकर अगर आपकी हार्ट लाइन मिल रही है, अच्छी तरीके से मिल रही है, चांद का आकार बना रही है, तो ये आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होगी और आपका विवाह अवश्य रूप से होगा। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख रहे हैं, तो आपका विवाह 110% आपका विवाह होगा और बहुत अच्छा विवाह होगा। और वहीं पर जिन लोगों का विवाह हो चुका है या अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, या उन लोगों की विवाह में अगर आप देख रहे हैं कि चांद की आकृति बन रही, तो उनका विवाह बहुत अच्छा होगा, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और वहीं पर चांद की आकृति नहीं बन रही है, कहीं खिटपिट हो रही है, लाइन अच्छी तरीके से मिल नहीं रही है, तो आप देखेंगे चाहे वो आपके मम्मी पापा के हाथ में ही इस प्रकार की लाइन बन रही हो, जो अच्छी तरीके से नहीं बन रही, चांद की आकृति नहीं ले रही है, आड़ी टेढ़ी हो रही है, तो ये आप देखेंगे वैवाहिक जीवन में शुरू के सालों में और अभी भी कुछ अच्छी वैवाहिक जीवन नहीं है, कुछ भी खिटपिट हो रही है, गृह कलेश हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रही है, आपसे
आपसी मतभेद है, आपसी दूरियां है, पति वहां रह रहा है, पत्नी वहां रह रही है, संबंधों में मतभेद है, वैवाहिक संबंध में दिक्कत परेशानियां चल रही है, तो ये सारी दिक्कत परेशानियों को दर्शाती है हार्ट लाइन। अगर आपकी हार्ट लाइन अच्छी तरीके से बन रही, चांद की आकृति बन रही, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है और आपका विवाह उससे अवश्य रूप से होगा। अगर आप गर्लफ्रेंड के हाथ में देख रहे और उसमें ये रेखा बन रही है, तो 110% उनसे आपका विवाह होगा और अच्छा विवाह होगा और लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैंने आप सभी को बताया कि आपका विवाह कौन से ईयर में होगा। अगर आपके दो नंबर निकलता है या तीन नंबर निकलता है, छह नंबर निकलता है, तो आपका उसी ईयर में, अगर आप 2024 में भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना और ये नंबर निकल रहा है 2, 3, 6, तो आपका उसी साल में आपका विवाह होगा। वहीं पर 7, 8, 9 निकल रहा है, तो 80% चांसेस है कि आपका उसी ईयर में विवाह होगा या आपके अगले साल पे टाल सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए ज्योतिष ज्ञानी को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा और आपने अपने मित्र के, अपने दोस्त के और परिवारजनों की डेट ऑफ बर्थ से अपना ईयर कैलकुलेट किया कि नहीं, कौन से उनका विवाह कौन से साल में कैलकुलेट किया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा। हर 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 समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।